गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए बच्चे आज हम आपको नए आर्टिकल की ड्राइंग और कलरिंग सिखाते हैं। आज हम सीखेंगे कि लैंडस्केप कैसे बनाते हैं और कैसे उसकी कलरिंग करते हैं। बच्चे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे हमने एक पहले बॉर्डर ले लिया है, एक स्पेस हो गया है हमारे पास जिसमें हम अपना आर्ट वर्क बनाएंगे। उसके बाद हम इस बॉर्डर का, इस जो हमारा स्पेस है, इसका वन पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को हम इस तरीके से हम लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारा इस पेंटिंग का, जब हम लैंडस्केप बना रहे हैं, ये हमारा फोरग्राउंड हो गया और ये अपर पार्ट हो गया। अब हम इसके सेंटर में हट बनाएंगे और हम सीखेंगे कि हट कैसे बनती है। पहले हम एक इस तरीके से ट्रायंगल की शेप बनाएंगे इस तरीके से। बच्चे ये आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से फिर एक स्ट्रेट लाइन, और ये पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे इस लाइन के पैरेलल। उसके बाद द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये वाला पॉइंट, इससे हम एक लाइन इस तरीके से नीचे की ओर हम लगा लेंगे, और यहाँ से फिर एक लाइन इस लाइन तक और एक लाइन इस लाइन तक ही हम ज्वाइंट करेंगे। और अब इन सभी लाइंस को हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास ये वेस्ट लाइन है, हम इस लाइंस को इरेज कर देंगे और हमारी हट की ड्राइंग कंप्लीट। अब हम इसमें एक डोर बनाएंगे इस तरीके से और एक विंडो। अब हम इसमें बैकग्राउंड में इस तरीके से ग्रास बनाएंगे और यहाँ से इसका रास्ता इस तरीके से हम ड्राइंग कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा घर का रास्ता बन गया और इसके पीछे भी कुछ ग्रास। हमारे पास ये ड्राइंग लैंडस्केप भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे, इस ड्राइंग को ब्लैक स्केच से क्लियर कर लेंगे इस तरीके से। जो जो हमारा पेंसिल से ड्राइंग है, उस पेंसिल ड्राइंग के ऊपर ही हम अपनी ब्लैक स्केच से ड्राइंग कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। ये बच्चे हमने ब्लैक स्केच से अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। बच्चे आप देख रहे हैं, ये हमारा स्काई पार्ट है और हम इसमें ये ब्लू कलर करेंगे इस तरीके से। हम प्रॉपर बिना कोई स्पेस छोड़ते हुए हम अपनी कलरिंग कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। और बच्चे जो हमारा ग्रास पार्ट है, इसमें हम डार्क ग्रीन का यूज करेंगे इस ग्रास को कलर करने के लिए। इधर भी, इस साइड भी ऐसे ही ये कलर यहाँ पर होगा। और जो हमारा ब्राउन पार्ट है, इसमें हम लाइट ग्रीन का यूज करेंगे इस तरीके से। और जो हट की रूफ है, उसमें हम रेड कलर करेंगे यहाँ पर। और जो फ्रंट पार्ट है, उसमें हम ऑरेंज कलर करेंगे इस तरीके से। और जो इसका हम जो वॉल पार्ट है, इसको हम येलो कलर से पेंट करेंगे। और जो विंडो और डोर कलर है, उसको हम ब्राउन से करेंगे इस तरीके से। और जो पार्ट वाला एरिया है, रास्ता है, उसको हम कुछ येलो कलर से और सम कलर उसमें ऑरेंज से कर देंगे। वो हमारा रास्ता इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए हम अब इस कलर को, पेंटिंग को धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं।
इस तरीके से बच्चे हम अपनी कलरिंग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। और ये हमारा रूम बना पार्ट है, इसको हम रेड कलर से फिल करेंगे। और हम जब कलर करते हैं तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही कलर फिल करना चाहिए। और हमारी बॉल का पार्ट जो है वो किस तरीके से येलो, हमें इस तरीके से गुड कंपोजिशन विद कलर्स क्रिएट करना है लैंडस्केप का। देखिए इस तरीके से ग्रीनरी पार्ट हो गया, ये ग्रास पार्ट हो गया हमारा, और स्काई हो गया, और ये पार्ट भी हमारा जो रहता है ये भी ग्रीन कलर से इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे इस तरीके से हमारी कलरिंग कंप्लीट होती है। और जिस तरीके से ये वाइट पार्ट इसमें हमारा छूट रहा है, तो हम इसको इस तरीके से उंगली से या क्लॉथ्स के सहारे हम इसको मर्ज कर देंगे इसमें। ठीक है बेटा, जिस तरीके से हमारा जो स्काई है हमने वो भी मर्ज कर दिया है, और ये पार्ट जैसे ये पार्ट है हमारा, ये हम इसको भी उंगली से इस तरीके से फिंगर से अपनी या क्लॉथ से हम इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये कंपोजिशन कंप्लीट होती है। और आपका होमवर्क है, इस कंपोजिशन को आप अपनी ड्राइंग फाइल में पेंट करें और मुझे सेंड करें। ओके।